Sir, I wanted to ask how to fight the basically fear that we feel. Like there are a lot many fears that we face, not only in studies, but in each aspect of life, there is some kind of fear. How to fight that? How to come back? How to have that courage in life? Fear बड़ी प्यारी चीज़ है. हमने कुछ words को बड़ा negative बना लिया है. जैसे अब बच्चा है 2 साल का, उसको तो फियर होता नहीं, उसे कुछ पता नहीं, उसने कोबरा देखा जाके पकड़ लिया. वो तो बाद में घर वालों ने देखा तो पता चला कि भैया कोबरा पकड़ के घूम रहा है. लेकिन हम बड़े हो गए ना, अब हम कोबरा देखेंगे तो वो हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो हमें वॉर्न करेगी, अलर्ट करेगी. दैट इज नेचुरल फियर. वो अच्छी चीज़ है. जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो वो फियर नहीं है, वो ओवर थिंकिंग है. आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है. अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है, उस फैक्टर पे आते हैं. ओवर थिंकिंग की वजह क्या, ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है. यू आर आउटसाइड योर हाउस, तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंदन से आई, क्या लाइफ है लंदन में यार, और मैं तो ये कर रही वो कर रही, आपको लगा हम पागल है यार, ऐसी तैयारी कर. फिर शाम को किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगी. 90s में हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे. हमारी जो लाइफ थी वह ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं थी, आपने भी सब देखा होगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे. आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, इतने सारे फील्ड्स ओपन है. तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है. फिर क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बड़े हमको लेकर कॉशियस होते हैं. हाँ. एक हमने ओवर थिंकिंग की, हम अपने संभाल लें किसी तरह. हम घर के अंदर गए, मम्मी रो रही कि वो निशा मिली थी 20 लाख का पैकेज है उसका. दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया. ये जो प्रेशर हम मल्टीपल फेस करते हैं, तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँ बाप का प्रेशर. पता लगा बुआ जी ने रात में फोन कर दिया, क्या कर रही हो जी. तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो उस वक्त मल्टीपल फ्रंट पे. ये कोई फियर वर नहीं है. ये प्रेशर दूर कैसे होगा, इस पर थोड़ी सी बात कर ले. जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है. आज का युवा क्या कर रहा है, बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा. आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर. तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो, ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा.